हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बोट नेक कैसे बनाए। ये दूसरा एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में मैंने बोट नेक कुर्ती की कटिंग बताई थी और आज एपिसोड नंबर 2 में मैं नेक बनाना बताऊंगी बोट नेक। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है देखने के बाद, तो प्लीज़ लाइक का बटन आप जरूर दबाया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है, जिसकी ये चौड़ाई है 12 इंच और ये लंबाई 5.5 इंच है। तो इसको मैं सबसे पहले फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पे जो बोट नेक होता है उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और जो उसकी लंबाई होती है वो कम लेनी होती है, जब भी वो बोट की शेप आती है। और बोट नेक तो इसको अभी बोलने लगे हैं, बहुत साल पहले इसको चांद नेक भी बोलते थे, चांद गला बोला जाता था इसको। तो चलिए निशान लगा लेती हूँ। मुझे जो बोट नेक की चौड़ाई चाहिए वो 5 इंच चाहिए, कई लोग 4.5 भी लेते हैं। तो यहाँ पर 4.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी, मतलब कि 5 इंच से थोड़ा कम। और इसकी जो लंबाई है, अगर आपको बिल्कुल गले से लग के पहनना है तो 3.5 इंच भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे 4.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि हमारा शोल्डर में भी दब जाएगा। अब इसको यहाँ पे हल्का सा तिरछा, तकरीबन कितना आ रहा है आप देख लें, तो 4.25 इंच हल्का सा तिरछा लूँगी मैं। इससे क्या होगा, आपको शेप बनाने में आसानी आएगी। अब बड़ी आराम से बनाना है और जब तक आपका शेप ना बन जाए अच्छा, जब तक आपको बनाते रहना है, क्योंकि कटिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो अब इसकी चौड़ाई जो लेनी है वो 1 इंच लेनी है पूरे में। आप चाहे तो नाप ले, मैं अंदाजे से लगाऊंगी। तो ये देखिए, चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा निशान लग गया हो, तो कटिंग के दौरान उसको कटिंग में सही कर ले। तो ये देखिए, इस तरीके से आ जाएगा आपका बोट नेक। अब इससे बड़ा हमें कपड़ा चाहिए, जिसके ऊपर हमें इसको या तो चिपका लें या तो फिर डायरेक्ट सिलाई लगा लें आप। तो मैं डायरेक्ट सिलाई लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से अच्छे से बिठा लें पहले, अब सिलाई लगा लूँगी। ये कपड़ा उल्टा होना चाहिए आपका। तो ये मैंने 1-1 इंच छोड़कर इसको गोलाई से काटा और फिर ये गोलाई में मैंने इस तरीके से कट लगा लिए हैं। अब ये कपड़ा यहाँ पे फोल्ड करके मुझे सिलाई करनी है। अब हम इसके सेंटर में कट लगाएंगे। अब इस कट को कुर्ती के सेंटर से मिला के रखना है इसको हमें। तो ये कुर्ती का फ्रंट का पीस है और सीधा करके मैंने रखा हुआ है, और ये सेंटर की आप क्रीज लाइन देख रहे होंगे, ये कट हमें इस तरीके से मिला के रखना है। तो मैं क्या करूँगी, इसको पिनअप कर लूँगी, 2-3 पिन लगा लूँगी ताकि ये खिसके ना। आप चाहें तो सेंटर की सिलाई भी लगा सकते हैं और फिर बाद में यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बुकरम से बिल्कुल चिपकाते हुए जो है सिलाई लगाऊंगी, बुकरम के ऊपर नहीं चढ़ानी है। यहाँ से कटिंग कर लूंगी गोलाई में, 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए। तो फ्रेंड्स, ये कट भी लगा लिया है मैंने, एकदम सिलाई के नज़दीक नहीं जाना है आपको। अब क्या करना है, मार्जिन जो है ये वाला ऊपर ही रहेगा, सिर्फ नेक को हमें इस तरीके से करके
और ये नेक के ऊपर सिलाई लगेगी कोने में बिल्कुल, ये वाला जो हमने नेक बनाया इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये वाली सिलाई लगाने से क्या होता है कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है इसको फोल्ड करने में, उल्टी साइड बहुत ही आसानी से ये फोल्ड हो जाता है। तो ये देखिए अब मैं इसको प्रेस करके आपको इसकी फिनिशिंग दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है और गुलाई भी बहुत अच्छी आई है। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या करना रहेगा, उल्टी साइड से सिर्फ तुरपाई करनी रहेगी। तो चलिए अब हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं इसके, क्योंकि इसका जो बैक पल्ला है मैंने 1 इंच ऊपर उठा के काटा था, तो उसका आप देख लें कैसे जोड़ना है उसको। तो फ्रेंड्स जैसे कि फ्रंट नेक मैंने बनाया है उसी मेजरमेंट से मैंने बैक नेक भी बनाया है, ये देखिए सेम मेजरमेंट है। तो बैक नेक भी मैंने पहले ही तैयार कर लिया था, अब हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ये बैक पीस है, फ्रंट पीस को इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से शोल्डर मिलाते हुए और सीधा सीधा अंदर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो बैक का नेक है उसका बुकरम हमें इस तरीके से खोल लेना है, फ्रंट के बुकरम को नहीं खोलना, वो ऐसे ही रहना चाहिए। और ये देख ली मैंने कैसे रखा है, अब यहाँ से सिलाई लगाऊंगी, थोड़ा तिरछे में ले लूँगी क्योंकि कटिंग के दौरान मैंने इसको तिरछा नहीं किया था शोल्डर को, जो डाउन करते हैं, क्योंकि फिर हमारा नेक अच्छे से नहीं बन पाता तो इसलिए मैंने नहीं किया था। तो अभी इसको हल्का समय तिरछा ले लूँगी। तो एक बार हमारी सिलाई लग गई है, अब जो दूसरी सिलाई लगाएंगे वो इसके ऊपर इसको इस तरीके से चढ़ाते हुए और फिर से सिलाई लगाएंगे उसी तरीके से। अब मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखाती हूँ। तो जब हम इस तरीके से करेंगे तो ये देखिए ये हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है, और दूसरा शोल्डर भी आप सेम तरीके से जॉइंट कर लें। तो फ्रेंड्स शोल्डर मैंने जॉइंट कर लिए हैं दोनों। तो इस वीडियो में इतना ही बताऊंगी मैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको पता ही होगा कि मैं डिटेल में बताती हूँ तो वीडियो उसकी वजह से लंबी हो जाती है। तो फ्रेंड्स जो इसका 3rd एपिसोड होगा उसमें फिटिंग और जब चाक वगैरह सब बनाना बताऊंगी मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएँ, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।